हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुचिता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं श्राद्ध की थाली, जिसमें हम बनाएंगे सूखे आलू मटर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, सेवैया की खीर, बूंदी का रायता, गर्मा गर्म पूड़ी और पकौड़ी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। यहाँ मैंने 300 ग्राम कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई दाने, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। ये देखिए, मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। सब्जी को अच्छे से हिला देते हैं। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे सब्जी तले में चिपकेगी नहीं, और सब्जी को हम ढककर पकाएंगे। सेवैया की खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले सेवैया को घी में भुनेंगे। सेवैया को हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भुनेंगे। और ये देखिए, सेवैया अच्छे से भुन गई है। अब हम सेवैया की खीर बनाते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में आधा किलो दूध और आधा ग्लास पानी लिया है। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें सेवैया ऐड करेंगे। अच्छे से चला देते हैं। खीर को हम लो फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए, दूसरी तरफ कद्दू की सब्जी को भी हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाएंगे। और ये देखिए, 10 से 15 मिनट के बाद ही सेवैया की खीर बनके तैयार हो गई है। सेवैया की खीर जल्दी बनके तैयार होती है। अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। शक्कर मिलाने के बाद हम थोड़ी सी देर खीर को उबलने देंगे। और तब तक हम दूसरी तरफ कद्दू की सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कद्दू की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ खीर भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट। खीर और कद्दू की सब्जी तो बनके तैयार हो गई है। अब हम सूखे आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, राई दाने, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। ये 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं। फ्रोजन मटर ऐड करेंगे। सब्जी को अच्छे से चला देते हैं, जिससे सारे मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए, सारे मसाले सब्जी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बार फिर से सब्जी को अच्छे से चलाकर लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में 2 से 3 बार सब्जी को चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए, लगभग 5 मिनट बाद ही आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया।
और ये देखिए आलू मटर की सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूड़ी के लिए आटा गूंथेंगे। पूड़ी के लिए आटा तैयार हो गया है। अब हम आटे को थोड़ी सी देर ढककर रख देते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम मूंग की दाल को 2 से 3 बार धोकर 4 से 5 घंटे के लिए गला दिया था। और ये देखिए दाल 4 से 5 घंटे में अच्छे से गल गई है। अब हम दाल का पानी निथार कर एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। और ये देखिए दाल हमने अच्छे से पीस ली है। ये बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं है और बिल्कुल बारीक भी नहीं है। और अब हम पिसी हुई दाल में मसाले मिला लेते हैं। इसके लिए दाल को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ मैंने 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस अदरक, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर, हींग, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक स्वादानुसार और हरा धनिया लिया है। सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हम दाल को एक तरफ ढककर रख देते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि दाल का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम रायता बनाएंगे। यहाँ मैंने लिया है 2/3 कप दही और दही में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए दही हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फीकी बूंदी। बूंदी को 2 मिनट गुनगुने पानी में गलाकर इसका सारा पानी निथार दें। 2 टेबल स्पून शक्कर, 1/4 चम्मच काला नमक, सादा नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया और बस रायता तैयार है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, रायता और खीर बनकर तैयार है। अब हम गर्मा गर्म पूड़ी और पकौड़ी निकालेंगे। हमने यहाँ सेवैया की खीर इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत जगह ग्यारस के दिन श्राद्ध होने की वजह से चावल की खीर नहीं बनाई जाती है, तो हम इस तरीके से सेवैया की खीर बना के भोग लगा सकते हैं। और अब हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर पूड़ी तल लेते हैं। और ये देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम पकौड़ी तल लेते हैं। पकौड़ी को बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल ठंडे तेल में डालने से ये तेल पी जाएगी। तो आप दोनों ही बातों का ध्यान रखें। और आज ये श्राद्ध की थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।